Assalamu alaikum. Welcome to the lecture series of Digital Logic Design. The instructors for this course are Dr. Asfand Yar Gilani and myself, Sayyid Ali Zamin. Today we are going to start lecture number 2.1, which means this is lecture number 3 of chapter 2. So this lecture is designed for the students of Lahore Leeds University who are enrolled in spring session 2020 and for the following sections MCS and MIT semester 1. So let's begin. लोगों ने लेक्चर अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया यूट्यूब का चैनल वो कर लें इसी क्लास पे खुद को इनरोल करें जो लोग अभी जिन्होंने अभी ऑनलाइन की ऑप्शन चूज़ की है दोबारा से तो वो ये करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें इजी पोर्टल पे जाके ख़ुद को इनरोल करें फेसबुक का पेज लाइक करें कोई क्वेश्चन है तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं एक्सेस कोड आपको गिवन है इजी पोर्टल का इजी क्लास का ये लोगो है और ये पेज है और ये चैनल है इस वीडियो को देखने से पहले स्पेशली ये मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी ऑनलाइन क्लासेस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया है कि वो ये लेक्चर सुनने से पहले ये जो लेक्चर हैं लिखे हुए सामने इन लेक्चर्स को पहले सुने और बाद में इस लेक्चर को सुने ठीक है यानी लेक्चर 1.1 की रिविजन की थी हमने 1.2 असाइनमेंट DLD वालों को मैंने कहा कि वो ना करें जो अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आए हैं वो असाइनमेंट 1 ना करें वो असाइनमेंट 2 करेंगे ठीक है असाइनमेंट 1 के मैंने आंसर की अपलोड कर दी है इसलिए उनको ज़रूरत नहीं है करने की अच्छा फिर उन्होंने 2.1 लेक्चर सुनना है 2.2 और आज वाला लेक्चर है 2 लेक्चर जो हमारे हुए हैं इस चैप्टर के उनमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी बाइंड्री ऑक्टल यानी नंबर सिस्टम पढ़े थे और उनकी कन्वर्जन पढ़ी थी तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल ग्रे कोड क्या होता है ASCII कोड्स क्या होते हैं पैरिटी कोड पैरिटी मेथड क्या होते हैं ये लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स ने को कह रहे थे कि उनको इसका थोड़ा समझ नहीं आई एनी नंबर सिस्टम टू एनी नंबर सिस्टम कन्वर्जन तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ ये देखें एनी टू एनी का मतलब ये था कि आपको जिस तरह असाइनमेंट में क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल बेस 2 से बेस 4 में जाना है या बेस 3 से बेस 9 में जाना है यानी जिसमें डेसिमल की बात ना की हो एनी टू एनी की बात की हो ठीक है तो उसमें आपको मेथड बताए थे कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि एनी टू डेसिमल वाला मेथड जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वो अप्लाई करना होता है फिर जो आप नंबर डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको आप दोबारा कि जिस बेस में क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है बेस 2 से बेस 4 में जाना है ठीक है तो पहले आपने बेस 2 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में एक मेथड पढ़ा हमने मेथड 2 या 1 होगा इसी तरह फिर आगे क्या करना है जो हमारा आंसर आ जाएगा मेथड 1 से जो भी हमने स्टार्ट में मेथड लगाया होगा यानी बाइनरी से डेसिमल में जब चले गए तो डेसिमल में जो हमें आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड करना होता है किस मेथड से किस बेस से जिसमें उसने क्वेश्चन कहा हुआ है यानी अभी मैंने कहा था बेस 2 से बेस 4 में जाने तो हमने जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे इसकी एग्जांपल ये है कि क्वेश्चन है बाइनरी नंबर सिस्टम उसने कहा है ऑक्टल में जाना है ठीक है बाइनरी नंबर सिस्टम ये है ऑक्टल में जाना है तो पहला मेथड क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करें उसका ये मेथड हमने पढ़ा हुआ था ठीक है तो जो ये सारा मेथड करके आंसर आया 11 ये बेस मैंने 10 लिखी है ताकि आपको पता चले कि ये नंबर बेस डेसिमल में कन्वर्ट हो गया अब क्या करना है हमने 11 को डिवाइड करना है जिस बेस में उसने कहा है जाना है बेस 8 में कहा है तो 8 से डिवाइड किया ठीक है नीचे से ऊपर गए यानी 1 और 3 नंबर हमें मिले तो 1 3 हमारा आंसर है और ये बेस 8 में कन्वर्ट हो गया बहुत आसान है
ये कोर एग्जांपल है बेस 16 से 4 में जाने की, ये बताई थी आपको। तो देखिए अब उसने 16 से डेसिमल में पहले गया है, ठीक है, और डेसिमल का जो आंसर आया है 4 to 7 उसको डिवाइड कर दिया, जिसमें उसने कहा था जिस बेस में जाना है, 4 में जाना था तो 4 से डिवाइड कर दिया। तो अच्छा, आज का लेक्चर जैसे आपको बताया हम पढ़ेंगे बाइनरी बाइनरी कोडेड डेसिमल, अच्छा हम पढ़ेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल और पैरिटी मेथड और बाकी एस्की कोड वगैरह। तो सबसे पहले जो है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल है। बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है कि इसमें ना, जिस तरह हमने अभी बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़े थे, जिस तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 0, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 0 0 1, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में इसका आंसर आना है 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर होता 0 0 1 0 0 1, तो मैं कहता इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो आपने वो उस मेथड से डेसिमल में कन्वर्ट करके इसका आंसर आना था 1 2 4 8, इसका आंसर आना था 9 डेसिमल में, ठीक है। इसी तरह 1 1 0, इसका आंसर डेसिमल में आना था 1 2 4, इसका 6 आना था आंसर, ठीक है, सही है। यानी ये आपको पहले बताया हुआ है कि बाइनरी से डेसिमल में किस तरह जाना होता है, सही। अब देखेंगे ये जो नंबर है ना इस साइड पे, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इनकी डेसिमल में वैल्यू है 196, ठीक है। अब बाइनरी कोडेड डेसिमल में ये होता है कि हम ना नंबर बाइनरी ही होते हैं, यानी जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है इसी तरह का हमने लिखना होगा, फॉर एग्जांपल 6 या 9 या कोई और नंबर 15 लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि नहीं, इसी इसी में से कोई नंबर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको आता है कि कोई नंबर है 15 डेसिमल में, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी डेसिमल कोडेड में। ये नहीं उसने कहा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, बाइनरी नंबर सिस्टम में तो आपको पता है कि क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा कि डेसिमल से बाइनरी में या किसी भी नंबर में जाना हो तो उसकी बेस से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये कन्वर्जन में हमने पढ़ा था। अच्छा, अब हमने उसने ये कहा है क्वेश्चन में, ये भी कन्वर्जन का एक मेथड बता रहा हूँ, उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर हमने इसको बाइनरी में जाना होता तो हमने 2 से डिवाइड करना था, ठीक है, फिर एक आंसर आ जाना था, वो आंसर आना था, मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या होगा, लेट मी राइट इट डाउन, 8 4 12 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है इसका आंसर आना था 1 1 1 एंड 1, ठीक है, ये यानी ये मैंने डिवाइड करके प्रोसेस कर लिया, मुझे पता चला कि जी इसका आंसर 1 1 आ रहा है। अब ये था बाइनरी नंबर सिस्टम में, अब हम आज पढ़ रहे हैं बीसीडी। बीसीडी में ना आंसर डिफरेंट होता है। बीसीडी में आंसर क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें अगर ये 15 है ना, तो फॉर एग्जांपल आपने एलसीडी पे डिस्प्ले कराना है 15, तो वो जो 7 सेगमेंट, अभी आपको बताता हूँ क्या होता है, 7 सेगमेंट पे अगर आपने 15 डिस्प्ले कराना है तो वो इकट्ठे नहीं, इस तरह के यानी दो नंबर इकट्ठे नहीं रिप्रेजेंट करवा सकते हम, यानी दोनों 115 को डिस्प्ले करवाना हो कहीं तो हम 1 1 1 नहीं दे सकते, ठीक है। उसके लिए उसने क्या किया होता है, 7 सेगमेंट के लिए सिर्फ उस पे एक नंबर शो होता है, यानी 5 शो होगा या 1 शो होगा या 9 शो होगा, कोई एक नंबर शो होता है। तो अगर हमें दो नंबर शो कराने हैं तो हमें 2 7 सेगमेंट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है, यानी 2 7 सेगमेंट्स चाहिए। अगर हमने 3 नंबर रिप्रेजेंट कराने हैं, 115 कराना है, तो हमें 3 7 सेगमेंट, एक चीज होती है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगी, वो हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो यानी हर नंबर के लिए हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का, बस ये डिफरेंस है। अभी आपको देखना राम समझ आ जाएगी। अब अगर आपको कोई कहे, ये 1 मैंने लिखा है, ये 5 लिखा हुआ है, अगर आपको कोई कहे कि
कि ये नंबर है इसको बीसीडी में शो कर रहे हैं। तो आपने क्या करना होता है, सिंपल इज दैट कि आपने हर नंबर के लिए 4 बिट्स ना रख देनी होती हैं। यानी मैं इस 5 के लिए कहता हूँ मेरे पास 4 बिट्स हैं, ये मैंने बिट्स पोज करें बनाई है, ठीक है। और 1 था, 1 के लिए 4 बिट्स हैं, ठीक है, 4 बिट्स बन गई। अब यहाँ हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी बिट्स यूज हुई हैं, 4 0, 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन बीसीडी में हम कितनी बिट्स यूज कर रहे हैं, 8 बिट्स, ठीक है, 4 5 के लिए और 4 1 के लिए। सिंपल ये करना होता है कि पहली 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स ली हैं, तो आपने 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को 4 बिट्स में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप करेंगे ना डेसिमल से बाइनरी में, जो आप डेसिमल से बाइनरी के लिए 5 से डिवाइड करेंगे 2 को, ऐसे ही है ना, 5 5 डेसिमल में है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा 1, और फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये क्या बन जाएगा, 1 0। तो इसका क्या बनेगा 5 का, 1 0 1। लेकिन अब मैंने तो 4 में कहा था, तो आप इसके लेफ्ट साइड पे 0 लगा दें, तो ये 4 बिट में 5 रिप्रेजेंट हो गया। अब 1 को किस तरह बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, वो आसान होता है, उसे 1 ही लिखते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लिखा और उसके लेफ्ट साइड पे कितने 3 बाकी बच गए थे, तो 3 ये लिख दिए, ठीक है। तो ये अब ये 1 सेपरेटली 1 है बाइनरी नंबर सिस्टम में, सेपरेटली ये क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम में 5 है। लेकिन इसको कंबाइन करेंगे तो हम कहेंगे जी ये बीसीडी नंबर प्रेजेंटेशन है, यानी 0 0 0 1 0 1 0 1। अब इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बाकी सारे जीरोज अगर मैं कैंसिल भी कर दूँ वो भी ठीक है, लेकिन मैं अगर इसको वैसे भी लिखूँगा ना 1 0 1 0 1, तो ये भी ठीक है, यानी ये भी बीसीडी नंबर है। अब अगर वैसे आपको बताऊं कि ये इसका इसको ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको डेसिमल में लिखें तो इसकी कोई और डिफरेंट वैल्यू बनेगी, यानी इसकी जो वैल्यू बनेगी वो होगी 1 2 4 8 16 16 1 2 4 1 2 4 16 + 4 20, इसकी 21 बनेगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये तो 15 के इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये हमने बीसीडी में शो किया हुआ है, यानी हमने 5 को एक अलग से नंबर दिया और 1 को एक अलग से 4 बिट्स असाइन की। तो ये बीसीडी में इस तरह होता है, समझ लग गई है। दोबारा मैं बता देता हूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम में अभी हमने जो पढ़ा है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा लेक्चर तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा जाना है नंबर सिस्टम कन्वर्जन में, और उसमें कौन सा मेथड करना है, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये आपने प्रैक्टिस करना है। कि यानी कोई नंबर डेसिमल में हो, फॉर एग्जांपल 9 है, 9 मैं डेसिमल में कहता हूँ, तो इसको बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, आपको फार्मूला पता चल जाएगा कि उसका जो आप वो जो फार्मूला मैंने बताया, तो 9 ना इस तरह उसका आंसर आएगा जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर नंबर हो 11, तो मैं आपको कहूँ कि इसको आप उसमें कन्वर्ट करके दिखाएं, ये डेसिमल में इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाएं, तो आप ना इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1010, ठीक है, 1 2 4 8 नहीं, देखो ये भी 1 होगा, यानी इसका आंसर आएगा 1011। तो ये आपने अगर नहीं यहाँ से समझ आ रहा, तो इसका मतलब है आपको लास्ट लेक्चर नहीं समझ आया, आपने पहले लास्ट लेक्चर पे जाना है, वहाँ देखना है कि डेसिमल से बाइनरी में जाना हो तो कौन सा मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि हमने क्वेश्चन आता है, चलें आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अगर अभी समझ आ गया तो। इन शॉर्ट अभी दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि ये 15 है, अगर आपको मैं
पुराने वाले मेथड से कहूँ कि 15 को डेसिमल 15 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाएं, तो आपका आंसर डिफरेंट आना है। आपका आंसर ये वाला आना है, 1111 वाला, यानी 4 times 1। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए कि नहीं, आपने 15 को बीसीडी में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना होता है, 5 के लिए अलहदा से 4 बिट्स ले ली, 1 के लिए अलहदा से 4 बिट्स ले ली, 5 को बाइनरी में अलहदा से कन्वर्ट कर लिया जो पहले मेथड पढ़ा, 1 को अलहदा से कन्वर्ट कर लिया, जो आंसर आया उसको कंबाइन करके लिख दिया। और आप जो लेफ्ट साइड पे जीरोस होते हैं उनको इग्नोर भी कर सकते हैं, यहाँ यहाँ नहीं कर देना, इस जीरो को नहीं इग्नोर कर देना, एंड पे जो आंसर आएगा सिर्फ उसको इग्नोर करना। तो उसका एंड वाला आंसर ये आ रहा था, 10101। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें बताई हुई है कि बीसीडी क्या होता है, ये आपको ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि बीसीडी जो है ना नॉर्मली डिजिटल सिस्टम में यूज़ होता है, जहाँ आपने कोई क्लॉक बनाना होता है, क्लॉक का डिस्प्ले करना होता है। आपने कई शॉप्स पे देखा होगा, यूनिवर्सिटी में देखा होगा, कि स्टॉक एक्सचेंज में देखा होगा, नंबर चल रहे होते हैं ठीक है LEDs पे, तो वो ये बीसीडी का मेथड यूज़ होता है, क्योंकि वो 7 सेगमेंट जो होते हैं ना उसको चलाने के लिए बीसीडी नंबर यूज़ किए जाते हैं, एक नंबर के लिए एक कॉम्बिनेशन होता है। अब ये देखें कि जीरो बीसीडी बाइनरी में भी उसी तरह है और उसमें भी उसी तरह ही है, बीसीडी में 4 डिजिट्स का, यानी 4 बिट्स इधर भी हैं, 4 बिट्स इधर भी हैं, सारे 0 0। ये एंड यहाँ 9 तक ना सेम रहता है। 9 तक क्यों सेम रहता है, क्योंकि 9 तक एक ही नंबर आ रहा है ठीक है, इसलिए हमें 4 ही चाहिए थे। मैंने कहा था जहाँ 2 नंबर आ जाएंगे फिर कितनी बिट्स चाहिए होंगी, 8 बिट्स। तो पहली जीरो के लिए देखें, बाइनरी में भी 0 0 सारे हो गए, और 1 1 का 10 का जो 1 है उसके लिए उसने अलहदा से 4 बिट्स ले ली, और बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 इस तरह लिखते हैं, ये देखें बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 इधर ऐसे लिखा हुआ है। अब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये 15 है ना, तो 1 के लिए 4 बिट्स, 5 के लिए 4 बिट्स। तो अब 5 के लिए 15 के 5 के लिए 5 कैसे लिखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, यहाँ से देख लें 15 कैसे लिखते हैं, 0101। तो ये देखिए उसने लिखा 0101 और 1 के लिए वही। तो ये बड़ा आसान है बीसीडी, ठीक है। अब आपको बीसीडी भी आ गया, आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन के मेथड भी आ गए, और आपको बीसीडी भी आ गया। बीसीडी किस लिए यूज होता है, मैंने कि ये यूज होता है, ये इसको मैं कह रहा था 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये आपने देखे होंगे कैलकुलेटर्स में होते हैं, और कैलकुलेटर में आपकी घड़ियों में ये वाले सेगमेंट्स लगे होते हैं। तो इसके लिए ना हर एक को ऑन कराने के लिए एक अलहदा इसका पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल ये जो सबसे ऊपर वाला सेगमेंट है इसको ए कहते हैं, ये 7 सेगमेंट है टोटल, ए बी सी डी एफ, ये 7 है। तो अगर आपने 1 ऑन करवाना हो, मैं कहता हूँ आप मुझे ना 0 ऑन करवा के दिखाएं, तो कौन कौन से सेगमेंट्स ऑन होंगे, ए होगा 0 के लिए, 0 इस तरह का होता है, तो यानी जी ऑफ होगा, बाकी सारे ऑन होंगे ठीक है। अगर 1 करवाना हो तो बी और सी ऑन होंगे ठीक है। 2 करवाना हो, 2 इस तरह होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए ऑन करेंगे, बी ऑन करेंगे, जी ऑन करेंगे, ई ऑन करेंगे और डी ऑन करेंगे ठीक है। आपको पता चल गया, ये बीसीडी यहाँ यूज होता है, समझ लग गई। अब फर्दर आपको समझाने के लिए, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा स्लाइड है जिसमें मैंने कहा कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ए बी सी डी ये हमारे 4 बिट्स होती हैं, ये बी सी डी 2 7 सेगमेंट डिकोडर होता है। डिकोडर्स हम थोड़ा लेट पढ़ेंगे, यानी अभी चैप्टर आएंगे 3rd 4th में आके डिकोडर्स पढ़ेंगे। तो डिकोडर्स जो होते हैं वो यही काम करते हैं कि यानी एक उनको सीक्वेंस गिवन होता है, वो उसके अकॉर्डिंग डिकोड करके उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसी और सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो डिकोडर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल डिकोडर ये करता है कि जब उसको सारे जीरोज मिलते हैं ना, सारे जीरोज मिलते हैं, तो वो ये वाले सेगमेंट जिस तरह मैंने अभी बताया था ए बी सी डी ई एफ सारे ऑन कर देता है, और हमने जी वाला ऑफ किया था तो वो जी वाला ऑफ कर देता है ठीक है, ये डिकोडर ये करता है। इसी तरह अगर ये कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें 0 1
01, ये क्या नंबर है, 1, 2, 4, ये 5 है, ठीक है। जब 5 डिस्प्ले कराना होगा तो वो उसके अकॉर्ड अगेंस्ट ये वाला सीक्वेंस जनरेट कर देता है। ये वाला सीक्वेंस क्या करेगा, यही वाला है ना, ये क्या चीज़ें ऑफ कर रहा है, बी को ऑफ कर रहा है और ई को ऑफ कर रहा है। तो बी को अगर ऑफ करें और ई को ऑफ करें तो क्या बच जाता है, ये तो ये 5 बन जाता है, ठीक है। इस तरह ये सर्किट चलते हैं, हमें ये लाइट्स नज़र आती हैं, 7 सेगमेंट्स चल रहे होते हैं, तो ये इस तरह डिकोडिंग हो रही होती है। हम पीछे सीक्वेंस 4 नंबर्स का दे रहे हैं लेकिन आगे एक और नंबर डिस्प्ले हो रहा है। एक एग्जांपल है, उसने ये कहा है कि ये जो एक शॉर्टकट, अभी मैं आपको जिस तरह ये कोई नंबर देख के बता देता हूँ ना कि ये इसकी क्या वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल ये नंबर है 1010 1010, ठीक है। तो मैं किस किस तरह अभी आपको जल्दी से बता रहा था कि इसका 2 है, इसका 3 नंबर है, मैं तो वो डिवाइड और कैलकुलेशन नहीं कर रहा था। उसका ये होता है कि जो सबसे राइट साइड पे नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 1, अगले की वैल्यू होती है 2, उससे अगले की वैल्यू होती है 4, और उससे की नेक्स्ट की वैल्यू होती है 8। तो जो जो बिट्स ऑफ हैं आपने उनको काट देना है, जो ऑन है उनको ऐड कर लेना। यानी इसमें 0 था पहले वाला और ये पहले 1 था हमारा नंबर, ठीक है। क्योंकि अब 0 है तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ये 0 था इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। पीछे क्या नंबर रह गए, 8 और 2 था प्लस 2, ठीक है, तो ये 10 है, सही है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1010 जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 10। मैं इस तरह भी आपको जल्दी जल्दी बता रहा था। तो उसने ये कहा कि जी इन नंबर को ना बीसीडी नंबर में कन्वर्ट करके दिखाएं हमें। यानी उसने नंबर कौन सा दिया हुआ है, उसने जी नंबर दिया हुआ है ये वाला, उसने ये सीक्वेंस दिया, उसने कहा है कि ये बीसीडी नंबर है, इनको डेसिमल में बताएं क्या होगे। तो आपने 4-4 बिट्स ले लेनी है, पहली 4 बिट्स में क्या लिखा हुआ है, 1001। अब मुझे पता है कि 1001 का डेसिमल में क्या नंबर होता है, 9 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 20 हो गया, 40 हो गया और 81 है, तो 8 + 1 कितने होते हैं, 9, ठीक है। तो मैंने 9 इधर लिखा, इस तरह उसने सारे लिखे हुए हैं, हर चार चार लेके उनको उसने डेसिमल में कन्वर्ट किया। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आता तो आप वही वाला मेथड पे चले जाएं कि बाइनरी से डेसिमल में किस तरह करते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया तो वेल एंड गुड, आपने सेपरेटली सारे नंबर्स लेने हैं और उनको ऐड कर देना है, तो ये नंबर बनता है, ठीक है, ये नंबर बनता है। इस तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि बीसीडी नंबर को 7 सेगमेंट पे जब बनाना हो तो इस तरह के सर्किट बनते हैं। ये ब्रेड बोर्ड होती है वाइट कलर की, ये उसने डिकोडर लगाया हुआ है इधर, ठीक है, ये उसने वायरस लगा के इसको, ये रजिस्टर लगाए हुए हैं और ये 7 सेगमेंट है, तो इस तरह उसने डिस्प्ले कराया हुआ है। अब आप यहाँ कोई भी सीक्वेंस देंगे 1010 तो उसके अगेंस्ट वो आपको ये जनरेट करके दे देते हैं। तो लैब का नहीं है इसमें, तो आपको इस तरह मैं थोड़ा आइडिया देता रहूंगा आने वाली स्लाइड्स में भी। ये आपने खुद कर लेना है, इतना आसान है। एक बता देता हूँ, 3 5 है, तो 5 के लिए 4 बिट्स अलहदा से रख लीं, 3 के लिए 4 बिट्स अलहदा से रख लीं, 5 को देखा कि 5 को बाइनरी में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को किस तरह करते हैं, उसको इसने इकट्ठा लिख दिया, ठीक। इसी तरह आपने 2 4 9 6 के लिए, 6 9 के लिए आपने ये 16 बिट्स बना लेनी है और उसका आंसर लिख देना है। या आपने कन्वर्ट करना हो तो 4 यहाँ से ले ली, 4 यहाँ से ले ली, 6 को रिप्रेजेंट अलहदा से किया, 8 को उसने अलहदा से किया हुआ। तो ये बड़ा आसान था मेथड। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सोर गेट।
एग्जॉर गेट हमने थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ रहा है, अभी मैंने आपको गेट स्टार्ट नहीं करवाए, वो मैंने अगले चैप्टर से करवाने हैं। लेकिन हुआ ये है कि क्योंकि इस टॉपिक में उसने ग्रे कोड दिया हुआ है, और ग्रे कोड को समझने के लिए सबसे पहले एग्जॉर गेट को समझना चाहिए। एग्जॉर गेट इसलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, लेकिन ये मैं नॉर्मली जो है ना सबसे एंड पे समझाता हूँ, ये वाला गेट, गेट्स में ये वाला गेट जो है मैं सबसे एंड पे समझाता हूँ। लेकिन क्योंकि इसमें ग्रे कोड मेथड आ गया, इसलिए मुझे सबसे पहले समझाना पड़ रहा है। अभी आसान अल्फाज में आपने ये याद रखना है कि जी ये एक ट्रुथ टेबल होता है, ये आपने शायद पढ़ा हो पहले, ये हमने बहुत बनाने हैं ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल में क्या है कि ए और बी शो कर रहे हैं इनपुट्स को और आउट शो कर रहा है आउटपुट को। ये एक गेट है, हर गेट की ना कुछ इनपुट्स होती हैं, एक आउटपुट होती है, जो भी हम गेट पढ़ेंगे उसकी एक ही आउटपुट होगी, कोई भी ऐसा गेट नहीं पढ़ेंगे जिसकी दो आउटपुट्स होंगी, ठीक है। एक पूरा सर्किट की मल्टीपल आउटपुट्स हो सकती हैं, एक गेट की एक ही इनपुट पढ़ेंगे हम, ये वाले गेट्स पढ़ रहे हैं। तो जी एग्जॉर गेट की ना एक ही आउटपुट होती है, दो इसकी इनपुट अगर हम ले रहे हैं, इसकी मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं, हम दो ही ले रहे हैं फिलहाल। तो वो क्या कहता है कि अगर ए को 0 दें, 0 का मतलब है कि इसको 0 वोल्ट दे रहे हैं, 1 का मतलब है इसको हाई वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, ऑन ऑफ भी आप कह सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ए से कोई करंट नहीं जा रहा, या बी से वो ए करंट जा रहा है, ये भी कह सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि ए 0 है, ए ऑफ है और बी 1 है, या ए एक्टिव नहीं है और बी एक्टिव है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये ट्रुथ टेबल नीचे बना हुआ है, ट्रुथ टेबल ये कहता है कि अगर ए की वैल्यू 0 है, यानी एक एग्जॉर गेट को अगर आप 0 और 0 वैल्यू देंगे तो आउटपुट भी 0 ही आएगी, सही है। ये एग्जॉर का सिंबल है ये वाला, और वो क्या कहता है कि अगर आप 0 0 वैल्यू दे रहे हैं तो आउटपुट क्या है, 0। वो कहता है कि अगर आप 0 1 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट 1 है, आउटपुट 1 0 है तो, ओ सॉरी, इनपुट 1 0 है तो आउटपुट 1 है, 1 1 है तो 0 है। इसमें एक चीज कॉमन नजर आ रही है हमें, वो ये नजर आ रही है कि जब भी हम इनपुट सेम देते हैं, यानी 0 0 देते हैं तो आउटपुट 0 होती है, और जब भी हम इनपुट्स डिफरेंट देते हैं तो आउटपुट 1 होती है। ये याद रख लेंगे आप एग्जॉर गेट का ट्रुथ टेबल, कि एग्जॉर गेट में क्या होता है, जब इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तो आउटपुट 1 हो जाती है। यानी आगे मैं इसके एक बल्ब लगा दूं तो इसका यह मतलब है कि अगर हम एक बटन पे 0 कर रहे हैं और एक पे 1 कर रहे हैं किसी पे भी, तो हमारा जो आउटपुट पे बल्ब लगा हुआ है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर इनपुट्स हमारी दोनों पे 1 1 कर दें या दोनों पे 0 0 कर दें, तो आउटपुट पे जो बल्ब लगा होगा वो क्या होगा, ऑफ ही रहेगा। तो ये आपको पता चल गया। इसको एक और मैं जो नॉर्मली शेयर करता हूँ कि आसान मेथड क्या है याद करने का, कि मैं ये कहता हूँ कि जो दो बच्चे पेपर कर रहे हैं इकट्ठे बैठे हुए हैं, अगर उनका पेपर डिफरेंट होगा ना तो मैं उनको पास करूँगा, ठीक है। बच्चे चीटिंग भी करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरे साथ वाले की चीटिंग कर रहे होते हैं, वो भी गलत कर रहा होता है, चीटिंग करने वाला भी गलत ही करता है, तो दोनों के होते 0 0 हैं, ठीक है, और मार्क्स भी उनके 0 आते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दोनों ठीक ही करते हैं, यानी एक जिसको आता है लायक बच्चा है वो ठीक कर रहा है पेपर, दूसरा जो नालायक बच्चा है जो चीटिंग कर रहा है वो जो है वो भी उसकी का देख के कर रहा है, वो भी डेफिनेटली सही कर रहा होगा, पेपर उसने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। अब लेकिन मार्क्स उसके भी 0 आएंगे, क्यों, क्योंकि उसने चीटिंग की होगी, जबकि दो पेपर सेम हो जाते हैं तो मार्क्स 0 आ जाते हैं। इस तरह आप याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब और लेकिन मैं कहता हूँ किसी एक ने ठीक किया हो किसी एक ने गलत किया हो, मुझे कैसे पता चलेगा जी कि किसने किसकी चीटिंग की है, क्योंकि दोनों का तो डिफरेंट है, तो मैं पास कर दूंगा। ये एक वैसे मैंने एक आपको ट्रिक बताई याद करने की। तो एग्जॉर गेट ये होता है, ठीक है, एग्जॉर गेट का सिंबल ये है, इसको लिखते ऐसे हैं, रिप्रेजेंट इसकी इक्वेशन कह लें ये है ए प्लस बी। इसको आगे डिटेल में एक्सपेंड हम थर्ड चैप्टर में करेंगे, फिलहाल आपने बस इतना याद रखना है कि इसकी ये वाला सिंबल है ए, यानी
अगर बीच में प्लस और सर्कल लग जाए तो उसका मतलब है वो एग्जॉर गेट है, ठीक है। तो ये उसका ट्रुथ टेबल था। लेक्चर क्योंकि तो अभी हमने एग्जॉर गेट को देख लिया, अब भी जिस तरह हमने बीसीडी में कन्वर्जन की थी तो ग्रे कोड भी इसी तरह ही होते हैं कि एक नंबर को किसी और तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ग्रे कोड क्या होते हैं, ग्रे कोड में देखें कि ना इसमें एग्जॉर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें बाइनरी नंबर सिस्टम है और ये ग्रे कोड है, ठीक है। जिस तरह बाइनरी नंबर सिस्टम और बीसीडी डिफरेंट थे, इसी तरह बाइनरी और ग्रे कोड भी डिफरेंट होंगे। ग्रे कोड का फायदा ये होता है, या कहाँ यूज होते हैं, ये यूज होते हैं स्विचिंग के लिए। यानी ये ना ग्रे कोड में स्विचिंग कम होती है। ये जो नंबर स्विच होते हैं ना 1010 सीक्वेंस जो है, इनमें जितनी कम से कम स्विचिंग हो ना उसका ज्यादा फायदा होता है। जितनी ज्यादा स्विचिंग होगी आपको ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो कोशिश ये की जाती है कि कंप्यूटर में जब आपने कोई प्रोसेसिंग करनी है तो ग्रे कोड वाला सीक्वेंस यूज करके प्रोसेसिंग करें, ताकि उसमें नंबर की स्विचिंग कम हो, यानी नंबर चेंज कम हो रहे हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये देखें, फोर है नंबर, फोर क्या है नंबर, 01 0100, ठीक है। अब किसी ने, कंप्यूटर ने प्रोसेस करना था फाइव, या फाइव पे शिफ्ट होना था, तो उसने क्या किया, पहला नंबर जीरो रहा, अगला अगला क्या रहा, सॉरी अगला वन है नहीं चेंज हुआ, अगला जीरो है नहीं चेंज हुआ, अगला वन है, तो यहाँ एक नंबर की शिफ्टिंग हुई, यानी ये एक ही शिफ्ट हुआ है, ठीक है। कई जगह हो सकते हैं ज्यादा की शिफ्टिंग हो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब एट नाइन में देख लेते हैं, नहीं एट नाइन में भी एक नंबर की शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग कहाँ ज्यादा नंबर की हो रही है, ये 13 पे देख लेते हैं। 13 पे देखें कि 1101 है, और अगर 14 पे जाना हो तो क्या है, 1 से 0 एक शिफ्ट हुआ, 0 से 1 ये दूसरा शिफ्ट हुआ, दो नंबर शिफ्ट हुए हैं, सही है। लेकिन जब ग्रे कोड यूज करेंगे हम, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, अभी जस्ट आपको इसका बता रहा हूँ कि ये क्या क्यों हम पढ़ रहे हैं। ये देखें कि अब इसमें सिर्फ एक ही नंबर शिफ्ट हो रहा होगा, ये 1 से 0 में जा रहा है, यहाँ एक नंबर शिफ्ट हो रहा है 13 से 14 जाने के लिए, बाइनरी में दो नंबर शिफ्ट हो रहे हैं। तो शिफ्टिंग या स्विचिंग को कम करने के लिए जो है ग्रे कोड यूज किया जाता है। अब मैंने आपको सिर्फ एक मेथड बताना है कि ग्रे कोड को किस तरह, बाइनरी कोड को किस तरह ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, बाकी आपने खुद ही पढ़ लेने हैं, ठीक है। मैं एक ही कोई मेथड बता देता हूँ, आप उस पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे बाकी सब पे। मैं कहता हूँ कि बाइनरी कोड है वन, कोई भी लिख लें 1011, ठीक है। अब ये कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है, क्वेश्चन आ गया कि इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करके दिखाएं। तो हमने अभी एग्जॉर गेट पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि दो नंबर डिफरेंट होंगे तो चेंज होगा, वन आएगा, अगर सेम होंगे तो जीरो आएगा, ठीक है, सही है। ये 1010 11 है बेसिकली। तो ये था बाइनरी नंबर, अभी हमने ये बाइनरी में लिखा हुआ है। अब हमने देखना है कि इसको ग्रे में कैसे लिखते हैं। ग्रे में ऐसे लिखना है कि सबसे पहले इस नंबर को हमने ऐसे लिख लिया, वन को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब हमने आगे एग्जॉर गेट लगाना है, यानी इस वन को इस जीरो के साथ कंपेयर करना है कि क्या है। अब मैंने ये जो डिफरेंट है, वन है और ये जीरो है, ये दो डिफरेंट है ना, तो एग्जॉर गेट में दो डिफरेंट हो तो आंसर क्या आता है, एग्जॉर गेट में अगर दो डिफरेंट हो तो आंसर वन आता है, ठीक है, वन आ गया, सही है। अब देखें जी कि ये अगला जीरो और वन ये क्या है, डिफरेंट है, तो फिर वन आएगा, सही है। अब वन और वन क्या है, सेम है, तो क्या आएगा, जीरो। समझ लगी, एग्जॉर गेट समझ लग गई तो ये समझ लग गया होगा। तो देखें इसका, उसने यही हमारा भी वो जो आंसर है वो यही आंसर है। तो इस तरह ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को। ये उसने डेसिमल में लिखे हुए हैं,
ये उसने उन्हीं कोई बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, और ये उसने ग्रे कोड में जो मेथड आपको भी मैंने बताया है उस तरह लिखा हुआ है। कोई और नंबर कर लेते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। मैं कहता हूँ कोई नंबर है 0 1 1 1, तो क्या करते हैं ग्रे कोड में जाने के लिए पहला 0 वैसे ही लिख लेना है इधर, फिर इसको कंपेयर करने पहले के साथ, जब डिफरेंट होंगे तो 1 आएगा। अब 1 1 क्या है, सेम है, तो क्या आएगा 0। 1 1 सेम है तो क्या आएगा 0। तो ये मुझे लगता है नंबर था 7 डेसिमल में। बाइनरी में हमने लिखा 0 1 1, ग्रे कोड में क्या बन गया 0 1 0 0, ये वाला आंसर बन गया। ठीक है, ग्रे कोड में कन्वर्जन आ गई आपको। कोड्स क्या होते हैं, ASCII कोड्स ये होते हैं कि जो हम कीबोर्ड पे नहीं बटन प्रेस करते, ABCDEFGH जो कीबोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये कंप्यूटर को नहीं पता हमने P प्रेस किया है या G प्रेस किया है या O प्रेस किया है या हमने स्टेरिक प्रेस कर दिया है, एट प्रेस किया है, कंप्यूटर को नहीं पता। कंप्यूटर क्या करता है, आप जो नंबर प्रेस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल A प्रेस करते हैं, उसको वो एक और नंबर में कन्वर्ट करता है, 96 में या 95 में 97 में। ठीक है, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम को वो कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी में। तो उसके अगेंस्ट, यानी जो भी आप बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, उसके अगेंस्ट एक बाइनरी नंबर सिस्टम जनरेट होता है, 01 की फॉर्म में चलता है। तो ये ASCII कोड्स होते हैं। ASCII कोड्स की एब्रीवेशन पीछे लिखी हुई थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ इंटरचेंज। अच्छा, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ मैं क्या बताने लगा था आपको, हाँ ये देखें कि ए जो है ना, कैपिटल ए, उसकी वैल्यू होती है 65 डेसिमल में। यानी आप जब कैपिटल ए प्रेस करते हैं ना, तो कंप्यूटर उसको डेसिमल में 65 में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह जब आप स्मॉल लेटर में ए प्रेस करते हैं, तो उसको 97 में कन्वर्ट करता है। इसी तरह बी की 98 वैल्यू होगी, सी की 99 होगी। तो ये हर एक करेक्टर के अगेंस्ट आपको, मैंने उसकी डेसिमल नंबर भी वैल्यू भी बताई हुई है। आप उसको हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको ऑक्टल में भी। अब तो आपको सारे कन्वर्जन मेथड पता है, तो ये इसको ASCII कोड कहते हैं। हमारा टॉपिक पैरिटी मेथड। पैरिटी मेथड जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट है जो कि एरर की डिटेक्शन के लिए होता है। सही है, सिंगल बिट एरर इज डिटेक्टेड बाय इट, यानी एरर की डिटेक्शन। एरर का क्या मतलब है कि आपने किसी को कोई मैसेज भेजा हेलो, और वो हेलो की जगह बेलो चला गया। ठीक है, यानी आपका मैसेज करप्ट हो गया, नॉइस ऐड हो गई उसमें, मैसेज डिस्टॉर्ट हो गया, सही मैसेज नहीं गया। तो लेकिन क्योंकि मैसेज जो हमारे जाते हैं, ये मैं यहाँ से इधर मैसेज भेज रहा हूँ कोई, तो वो हेलो नहीं जाएगा, बल्कि वो अभी आपको बताया ASCII कोड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई आपका मैसेज है जो 0110 जा रहा है, आपने तो ये भेजा था 0110, उसको एक बिट शायद चेंज हो गई हो, 0100 हो गया, उसको शायद ये वाला मैसेज मिला हो। तो मैसेज इस तरह नॉइस ऐड हो जाती है, उसकी वजह से नॉइजी हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं मैसेज। तो उसके डिटेक्शन के लिए कि सेंडर को ये, रिसीवर को ये पता चल जाए कि क्या ये मैसेज ठीक भी है कि गलत है, ठीक है, तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं पैरिटी मेथड का। ये हो सकता है आप नेटवर्क्स की क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ें। मैं आपको बात बता रहा था अभी, सेंडर जो है वो कोई मैसेज आपको इनकोड करके चैनल के थ्रू भेज देता है। मैसेज जा रहा होता है चैनल में, चैनल में कई रीजन की वजह से मैसेज में नॉइस ऐड हो जाती है, जब रिसीवर को मिलता है तो मैसेज कुछ और होता है। उसने यहाँ 0110 भेजा हुआ है, लेकिन इसको मिल जाता है मैसेज 0010। ठीक है, तो इसके डिटेक्शन के लिए कि क्या मैसेज ठीक मिला है या गलत मिला है, तो मैसेज एरर डिटेक्शन के लिए, करेक्शन नहीं, एरर डिटेक्शन के लिए
करते हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं, इवन पैरिटी मेथड एंड ऑड पैरिटी मेथड्स। इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी, इसका ये मतलब होता है कि आपने जो भी मैसेज भेजना होता है पैरिटी बिट उसमें ऐड कर देते हैं, यानी आपका कोई मैसेज है 7 बिट का तो आपने उसमें एक पैरिटी बिट ऐड कर देनी है। मेरा कोई मैसेज था 7 बिट का, 0 0 0, एक और 0 लगा के 1 1 1, ये 7 बिट्स हो गई। मैंने किसी को ये मैसेज भेजना था लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा बिट भी इसमें ऐड कर दी। एक्स्ट्रा मैंने ये की कि मैंने 1 ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ, ये मेरी एक्स्ट्रा बिट है, इसमें मैं 0 भी कर सकता था, 1 भी कर दिया, 1 भी कर सकता था, 0 भी कर सकता था, मैंने 1 ऐड किया, इसको बोलते हैं पैरिटी बिट। ठीक है, अब पैरिटी बिट का क्या है, मैं क्या है कि ये हमें बताती है कि जिसमें जो आपने मैसेज भेजा है उसमें अगर नंबर हैं इवन, ठीक है, तो आप कोई पैरिटी ऐड नहीं करते। अब इसमें देखें नंबर थे ऑड, ठीक है, यानी इसमें 3 नंबर थे, 3 1 थे ना, 3 1 थे, तो मैं इसको 1 ऐड कर दिया मैंने, 1। मैंने बताया कि जो नंबर भेजे हैं ना, मैंने जो मैंने एक सीक्वेंस भेजा हुआ है उसमें ऑड 1 है, यानी ऑड का मतलब है 1 1 है, 3 1 है, 5 1 है, कुछ भी है, तो यहाँ ऑड 1 है, तो उसका क्या मतलब है, जिस तरह उसका क्या मतलब है कि पैरिटी मेथड को मैंने 1 1 कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब जब रिसीवर को मैसेज मिलेगा तो उसको पता होगा कि पैरिटी 1 है, इसका मतलब है उसने ऑड 1 भेजे थे। हो सकता है रास्ते में मैसेज जो है ये 0 जो था, 1 जो था ये 0 हो गया हो, तो उसको जो रिसीवर है उसको 1 1 बाकी सारे 0 0 मिले हों। ठीक है, लेकिन पैरिटी बिट जो थी 1 थी, तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि पैरिटी 1 है, इसका मतलब है कि मैसेज में जो मुझे 1 1 का सीक्वेंस आना था तो वो आने थे ऑड, लेकिन यहाँ मुझे इवन आए हुए हैं, तो इससे आइडिया हो जाता है कि एरर जो है वो अकर्ड हो गया और एरर को उसने पता चल गया कि इस मैसेज में एरर है, ये मैसेज करप्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह इसने एग्जाम्पल दिया कि ओरिजिनल मैसेज उसका ये था, अब इसमें देखें 1 कितने हैं, 1 2 3 4 है 1, ठीक है, 4 1 है। अब अगर इवन पैरिटी मेथड में हो तो क्योंकि 4 1 है इसलिए उसने कुछ भी ऐड नहीं किया, 4 4 1 है तो 0 भेज दिया साथ पैरिटी मेथड पैरिटी बिट, तो जब रिसीवर इस मैसेज को रिसीव करेगा वो 0 देखेगा और देखेगा उसको पता चल जाएगा अच्छा इसमें ना इवन 1 होंगे, तो अगर तो उसको यही मैसेज मिलता है जिसमें इवन 1 है, यानी 1 1 1 2 3 4 1 है, तो वो कहेगा हाँ ये मैसेज ठीक है। अगर कोई भी इसमें चेंज हो गया हो, इव ऑड 1 हो गया हो, तो उसको पता चल जाएगा कि पैरिटी बिट 0 थी लेकिन मैसेज में जो है वो तो 5 1 आ गए हैं, तो उसको पता चल जाएगा हाँ जी ये मैसेज जो है ये करप्ट हो गया। ठीक है, ये सिर्फ इतना हेल्प करता है पैरिटी बिट, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे। अब इसके आगे पूरी इस पे एक अलहदा से सब्जेक्ट है, कोडिंग वाला एरर, कोडिंग वाला एरर डिटेक्शन वाला। ठीक है, आपको बहुत बेसिक एक चीज बता रहा हूँ मैं। ये लास्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो है ना 7 बिट्स हैं, उनका एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक हमारा ओरिजिनल मैसेज है। अब ये भी कोई ओरिजिनल मैसेज था, हम सिर्फ पहले वाला ले लेते हैं, ये ऊपर वाला ले लेते हैं। तो उसने कहा कि एक पैरिटी बिट ऐड किया उसने, इसने ना राइट साइड पे कर दिया। मैं सजेस्ट करता हूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो, यानी लेफ्ट साइड पे हो, लेकिन चलें उसने ना ये की हुई है, इधर ऐड की हुई है। ठीक है, तो उसने क्या यहाँ बताया, 0 का मतलब क्या बताया कि इवन पैरिटी है, यानी इसमें इवन 1 है, ये 2 ही 1 है ना इवन। अगर तो रिसीवर को यही मैसेज मिलता है 0 के साथ और उसे पता वो देखता है कि अच्छा हाँ 2 ही 1 है या 4 1 है, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एक आइडिया लेना होता है कि इवन ही होने चाहिए, तो इवन 1 है तो उसे पता चल गया जी ठीक है मैसेज मेरा। ठीक है, अगर इसी तरह ऑड में चेक करना हो तो हमने पैरिटी को 1 भेजना था और क्या होना था, ऑड 1 होने चाहिए थे, लेकिन
यहाँ क्या है कि इवन है, ठीक है, तो ये उसे लगेगा कि हाँ जी मैसेज करप्ट हो गया, सही है। यानी कोई एक रूल डिफाइन करना होता है आपने, कि मैं जो अभी आपको रूल बता रहा हूँ ना, वो ये है कि पैरिटी बिट की वैल्यू अगर आप जीरो कर रहे हैं तो वो आपने यूज करना है कि आप इवन वन भेज रहे हैं, और अगर पैरिटी बिट की वैल्यू आप वन कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप ऑड वन भेज रहे हैं। बस इतना याद रखना है आपने। ये जो मैंने आपको सारी कहानी सुनाई है, इसको आपने कुछ याद नहीं करना कि ये वन वन ना याद करने लग जाना कि सर ने ये स्लाइड दी थी तो हम याद करते हैं कि वन है, फिर इतने 7 8 0 आ गए हैं। ये कुछ नहीं आपने याद करना, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट याद करना है कि कोई भी मैसेज है, कोई भी सीक्वेंस है, 0 1 1, मैं देखें अपनी मर्जी से कोई भी लिख दूं। अब इसमें 4 जीरोज हैं तो मैं पैरिटी बिट में यहाँ 0 ऐड कर दूंगा, मैं सेंडर को रिसीवर को बता दूंगा कि भाई मैंने 0 जो है ना इवन के लिए यूज किया हुआ है। अगर तुम्हारे पास 0 मिल रहा है और तुम देख रहे हो कि जो ओरिजिनल मैसेज है उसमें इवन 1 है, तो मैसेज यानी सही रिसीव हो गया, ठीक है। इतनी सी बात थी। और अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमने असाइनमेंट नंबर 3 अपलोड कर दूंगा मैं, और चैप्टर नंबर 3 आगे से स्टार्ट करेंगे जिसमें गेट्स होंगे। एक गेट आज हमने पढ़ लिया, एक्सोर गेट, ये सबसे मुश्किल वाला समझा जाता था जो आज हमने पढ़ लिया, जो इतना आसान था ना, ये मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल वाला है तो मैं इसको एंड पे पढ़ाता हूँ। तो आप खुद ही सपोज कर लें कि जो आगे गेट्स आएंगे वो कितने ज़्यादा आसान होंगे। और आपके लिए मैसेज ये है कि जो जो स्टूडेंट अभी ऑनलाइन जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन की हैं वो DLD की असाइनमेंट नंबर 1 ना सबमिट करवाएं, मुझे ना सबमिट करवाएं, असाइनमेंट नंबर 2 सबमिट करवाएं, ठीक है, और लेक्चर सारे सुन लें। और लास्ट बात ये है कि जितने भी स्टूडेंट मेरे पास इनरोल्ड हैं ऑनलाइन, यानी जो ऑनलाइन क्लासेस अभी ले रहे हैं, पहले ले रहे थे, अब ले रहे हैं, नए हैं, पुराने हैं, सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट, वो मैंने फॉर्म शेयर किया हुआ है आपके साथ लास्ट वीडियो। चैनल पे जाएं, देखें मैंने कौन सा ऑनलाइन फॉर्म के नाम से एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने हर सेक्शन के लिए सेपरेटली फॉर्म दिए हुए हैं, तो आपने मुझे वो एक फॉर्म फिल करके देना है जो मैंने जिस सेक्शन के आगे जिसके पीछे सेक्शन लिखा हुआ है, वो जो एक पहले फॉर्म आपने फिल किया था ऑनलाइन फेस टू फेस वाला, वो नहीं दोबारा फिल कर देना आपने। अगर वो करेंगे दोबारा बार बार तो आपका नाम डिलीट कर देंगे, ठीक है। आपने जो मैंने शेयर किया हुआ है जिसमें हर सेक्शन का नाम लिखा हुआ है, सिर्फ आपने अगर वो फिल नहीं किया हुआ, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं मेरे से लेक्चर ले रहे हैं तो आपने वो लाजमी फिल करना है। पहले भी मैंने एक दफ़ा कहा था आपको करें, वो मैंने सारे नाम डिलीट कर दिए। कल मैंने नई लिस्ट अपलोड की है तो सारे लोग जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उस फॉर्म को लाजमी फिल करें, ठीक है, लाजमी फिल करें ये 2 3 दिनों के अंदर अंदर। फिर मैंने उसकी एक शीट बना लेनी, और मेरे पास वो फाइनल रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे और मैं उन्हीं का ही असाइनमेंट चेक किया करूंगा, और उन्हीं का ही, मैंने बाकी और किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट नहीं चेक करनी जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहा है, ठीक हो गया। आज के लिए रूमी जो है, मौलाना जलालुद्दीन रूम, उन्होंने कहा था कि स्टॉप एक्टिंग सो स्मॉल, यू आर द यूनिवर्स इन एक्सेटिक मोशन, ठीक है, यानी आप इतने छोटे नहीं हैं, उस तरह एक्ट ना करें, आप खुद ही एक कायनात हैं जो कि बड़े जॉयफुल मूड में जो हैं वो मूव कर रहे हैं, इन द स्टेट ऑफ मूवमेंट है, मोशन में। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि कोरोना की, कि आप सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, अगरचे लॉकडाउन ख़त्म होता है नहीं होता, लेकिन आपको फिर भी एहतियात करनी चाहिए, सही है। अभी तक आपने एहतियात की है और उम्मीद है कि आप आगे भी कर, लोगों ने चैनल नहीं ज्वाइन किया, सब्सक्राइब किया, वो लाजमी करें, इजी क्लास पे लाजमी वो ज्वाइन करें, फेसबुक का पेज लाजमी लाइक करें, और मुझे कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी ईमेल करें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।